हेलो गाइस, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं सबको बताऊंगा कि वीडियो एडिटिंग कैसे करते हैं, अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग को मोबाइल फ्रेम में कैसे लगाएं और एक प्रोफेशनल तरीके से एडिट कैसे करते हैं काइन मास्टर में। तो ये मैं काइन मास्टर खोल लेता हूं और आप लोगों के सामने ये 1690 ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको इसमें जाना है और ये वॉलपेपर डाउनलोड कर लेना है। इसे आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपको इस पर जाके इक्वल टू लिखा है, इस पर क्लिक करना है, बराबर हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, लेयर पर जाने के बाद अपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग को उठाना है। उसको उठाने के बाद आपको क्या करना है, अपने साइज के हिसाब से इस पर स्क्रीन पर शेड कर लेना है इस तरह से। अभी ये हमारा छोटा है, वीडियो है लंबी। फिर आपको क्या करना है, इसको ऐसे बड़ा कर लेना है, जहाँ तक भी आपकी वीडियो वहाँ तक इसे बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद यस पे क्लिक कर देना है। फिर आपको क्या करना है, लेयर पे क्लिक करना है और मोबाइल फ्रेम अगर आपने डाउनलोड कर रखा है पहले से तो लेयर पे जाके ले सकते हैं डाउनलोड में जाके, वरना आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक करना है, ये आ गया हमारा। इस पर क्लिक करने के बाद और आपको फिर इसको सेट कर लेना है। ये स्क्रीन अगर ऐड आ जाते हैं कभी कभी, खासकर सैमसंग फ़ोनों में ज़्यादा आता है, तो उसे आप मिनिमाइज़ करके हटा सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से ऐसे एडजस्ट कर लेना है आराम से, हल्के हल्के, ताकि एकदम प्रोफेशनल तरीके से एडिट हो और आपके वीडियो में लोग इंटरेस्ट लें। तो ये अभी पूरी तरीके से इसमें फिट हो गया है। अभी ये हमारा फ्रेम छोटा है, इसको वीडियो की लेंथ के हिसाब से हम बड़ा कर सकते हैं, जहाँ तक भी आपकी वीडियो है वहाँ तक इसको हम बड़ा कर देंगे। ठीक है, इसको छोटा करना है ऐसे। मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ किस प्रकार से ये चलती है। तो मैं इसकी आवाज़ एक मिनट म्यूट कर देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ मैं। अभी ये मैंने कर दिया है, ये इस तरह से आपकी वीडियो चलेगी एकदम प्रोफेशनल तरीके से। ये लगेगा कि आप प्रॉपर फ़ोन चला रहे हैं और एक प्रोफेशनल तरीके से वीडियो एडिट हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आपकी पूरी एडिट हो जाएगी। इसके बाद क्या करना है, आपको उसको बैक करना है और इसमें आप वो लगा सकते हैं चैनल सब्सक्राइब का ऑप्शन। तो इसमें आपको डाउनलोड कर लेना गूगल पे जाके, फिर आपको डाउनलोड में जाना है, मैंने डाउनलोड कर रखा है पहले से। फिर इस पे जाके क्लिक करना है। ठीक है, इस पे आ गए। अब क्रोमा की पे जाके इनेबल कर देना है। ये देखिए एकदम प्रोफेशनल तरीके से आ गया है, इसे आप कहीं भी लगा सकते हैं, यहाँ पर अपने हिसाब से जहाँ भी सही लगे। इसे ऐसे कर दिया। ठीक है, इसे अपने हिसाब से सेट कर लेना। अगर सेट नहीं होता है तो यहाँ पर जाके हल्का हल्का कट कर देना आपको। इस पर कैसे, इधर पे इधर का कर दिया कट। अब बस ये पूरी तरह से ठीक हो गया है, ये फ्रेम का रह गया, इसे हल्का सा खींच के दोबारा सही कर सकते हैं। थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, हल्के हल्के आराम से करना पड़ेगा। स्केच पे क्लिक किया और इसे ले गए वहाँ तक जहाँ तक आपकी वीडियो है, उसे वहाँ तक ले जाना है। ऐड बहुत आते हैं सैमसंग के फ़ोन में, इसलिए मेरा सैमसंग का है, इसलिए बहुत दिक्कत होती है। अगर इसके सलूशन के लिए आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में, मैं आपके लिए इसके भी ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो इसके ऊपर गया, आपको क्रोमा की पे इनेबल करना है। ठीक है, अभी आ गया। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसमें साइज़ ज़्यादा बड़ा हो जाए अगर तो छोटा कर सकते हैं थोड़ा अपने हिसाब से। यहाँ कर दिया क्लिक,
से कर दिया। ओके अब इसे आप ऐसे कर सकते हैं चालू, ये देखिए ये ऐसे सब्सक्राइब हो जाएगा। इस तरह से आपकी पूरी वीडियो एक प्रोफेशनल तरीके से एडिट हो जाएगी। इसको एक्सपोर्ट करना है अगर आपको, तो इसमें क्लिक की, इस पर क्लिक किया आपको, ये सेव लिखा है, सेव पे क्लिक करने के बाद आपकी एक एक्सपोर्ट हो जाएगी HD क्वालिटी में। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड कोई कमी हो तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, और किसी प्रकार की वीडियो चाहिए प्लीज़ कमेंट में बताएं, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूँगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।